अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बकेट। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है औरत को अपने खावंद के घर कैसे रहना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बीवी के लिए 20 सुनहरी असूल। नंबर 1, खावंद का एतमाद हासिल करें। नंबर 2, खावंद को मोहब्बत से तस्खीर करें। नंबर 3, लगई बुझाई और सुनी सुनी बातों से परहेज करें। नंबर 4, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। नंबर 5, खावंद के किराबतदारों से अच्छा सलूक करें। नंबर 6, रिश्तेदारों के हाँ सिला रहमी की नीयत से जाएं और पर्दे का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 7, खावंद को परेशानी के वक्त तसल्ली दें। नंबर 8, शोर को सदका खैरात की तरगीब देती रहें। नंबर 9, खाने को जिक्र और फिक्र के साथ पकाएं। नंबर 10, काम को वक्त पर समेटने की आदत डालें। नंबर 11, घर को साफ सुथरा रखिए। नंबर 12, फ़ोन पर मुख्तसर बात करने की आदत डालें। नंबर 13, अहम बातें नोट करने के लिए एक नोटबुक बना लें। नंबर 14, ज़रूरत की कुछ चीज़ों को संभाल कर रखें। नंबर 15, खावंद को दुआओं के साथ रुख्सत किया करें। नंबर 16, खावंद के आने से पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लें। नंबर 17, खावंद की ज़रूरत पूरी करने में कोई तरद्दुद ना करें। नंबर 18, घर के अंदर एक जगह मुसल्ले के लिए मखसूस कर दें। नंबर 19, अपने दिल का गम फ़कत अल्लाह के आगे बयान करें, अगर ज़रूरी हो तो खावंद से शेयर करें। नंबر 20, अगर खालिक की नाफरमानी होती हो तो मखलूक की इताअत ना करें। तो नाज़रीन, अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।